नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजनगरी आगरा के फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जाता है फतेहाबाद पुलिस ने चंडीगढ़ हरियाणा से कैंटर में बिहार जा रही शराब को फतेहाबाद पुलिस ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया है। शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कैंटर सहित चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार नमक के कट्टों के बीच आपको बता दें कि शराब बेची जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आयसर कैंटर से पुलिस ने 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद की है। आयसर गाड़ी में नमक के कट्टों के बीच छुपा कर जा रही थी अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें। आपको बता दें अंग्रेजी शराब की तस्करी को नमक के कट्टों के बीच छुपा कर किया जा रहा था। हरियाणा पंजाब से कैंटर में भरकर बिहार के लिए सप्लाई यानी कि शराब सप्लाई करने के लिए बिहार जा रही थी। कम रुपए में शराब को खरीद कर मोटे मुनाफे में बिहार में बेची जाती है अंग्रेजी की शराब। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पकड़े से देखिए किस प्रकार पुलिस ने बरामद की है। आगरा के फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब का परिवहन कर बिक्री करने वाले एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो जानिए अमरदीप लाल एसीपी फतेहाबाद से क्या कुछ है पूरा मामला, किस प्रकार पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 6 बजे सूचना मिली कि आयसर कैंटर में शराब की सूचना है, जिस सूचना पर फतेहाबाद पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए टोल प्लाजा आगरा एक्सप्रेस वे पर 21 किलोमीटर पर हमारी पुलिस द्वारा एक ट्रक को विद ड्राइवर जिसका नाम राहुल राठौर है, इसके द्वारा शराब ले जाई जा रही थी जो बिजनौर से बनी हुई है और गोवा के लिए बेची जानी थी। लेकिन ये कैंटर में शराब को लेकर बिहार बेचने के लिए ले जा रहा था। किस प्रकार ले जा रहा था? कैंटर में इसने नमक के कट्टे रखे हुए थे जिसमें करीब 250 के कट्टे के करीब बाहर से नमक के थे। इसमें हमारी 200 पेटियां शराब की बरामद हुई हैं जिनका ब्रांड इंपीरियल ब्लू है। इनका यहाँ से ले जाके बिहार बेचने का प्लान था। के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबीएन।